हाथी दिन भर रोते और कान क्यों हिलाते रहते हैं? आपने हमेशा देखा होगा कि हाथी दिन भर अपने कान हिलाता रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर छोड़ता है। ये काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती हैं। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। हाथी की आँखों की रोशनी बहुत कम होती है। खास बात यह है कि तेज रोशनी में उन्हें कम दिखाई देता है और कम रोशनी में ज्यादा। हाथी की आंख की पुतलियां बहुत जल्दी सूख जाती हैं, जिस वजह से वो अपनी आंख की पुतलियां हिला नहीं पाता है। पुतलियां आसानी से हिल सके, इसके लिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। यही कारण है कि हाथी की आंख में एक तरल में पदार्थ की सप्लाई होती रहती है, जो ज्यादा होने पर आंख से बाहर निकल आता है, जिसे हम आंसू समझ बैठते हैं। बिल्ली को शेर की मौसी क्यों कहा जाता है? फेलाइन कहते हैं। इनकी शारीरिक बनावट एक दूसरे से काफी मिलती है, इसलिए लोग शायद बिल्ली को शेर की मौसी कहते हैं। इन सभी के दांत बड़े तीखे होते हैं, जो चाकू की तरह इनके शिकार के शरीर में घुस जाते हैं। इनके पंजे गद्देदार होते हैं, जिससे इनके जमीन पर चलने में कोई आवाज नहीं होती। शेर बिल्ली के परिवार का एक मुख्य सदस्य है। इसकी ऊंचाई 1 मीटर तक होती है। इनकी लंबाई 2 मीटर तक होती है। यह अधिकतर अफ्रीका और भारत के जंगलों में मिलता है। बाघ टाइगर की ऊंचाई 1 मीटर और लंबाई 2 मीटर तक होती है। ये बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है और अधिकतर एशिया के देशों में पाया जाता है। इसके शरीर पर काली काली लकीरें होती हैं। तेंदुए पैंथर की ऊंचाई लगभग 60 सेंटीमीटर और लंबाई 115 मीटर तक होती है। यह अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जैगुआ, चीता, पूमा और घरेलू बिल्ली सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। चीता इस परिवार का एक ऐसा सदस्य है जो सबसे तेज दौड़ता है। इसकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है।